सो साइंस का पेपर आप लोगों का आ गया है और कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है और क्वेश्चंस के टाइप किस तरीके से रहने होंगे, तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 60 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा जिसका 33% आप लोगों को लेना होगा। ठीक है ना, तो जो कि आप लोगों को टारगेट जो अपना 20 मार्क्स का बनाना है कि इतने हमने लेने ही हैं और इतने मार्क्स जब आप ले लोगे तभी आप थ्योरी में पास हो सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें और क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, तीनों के क्वेश्चन इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जो MCQs रहने वाले हैं। ठीक है, MCQs में आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका आपको डिफरेंस भी करके जाना है कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा स्रोत जो है अनंत और सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय रिपर्पस, रिपर्पस क्या होता है, और जो 5 R होते हैं उनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये आप लोगों का आगे जो है न्यूमेरिकल आ रखे हैं आपके। ठीक है, फिजिक्स से हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स कॉज सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम करता है ये अगर हम बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाते हैं। और देखा ना आप लोगों ने जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जोशीमठ वगैरह अगर आपने सुना हो न्यूज़ में, तो वो भी पूरा का पूरा धीरे धीरे नीचे को तरफ धस रहा है। तो वो इसी तरीके से होता है क्योंकि हम इन्वायरमेंटल चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, लेबल डायग्राम बनाना है विद्युत मोटर का। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम वाली वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने विद्युत मोटर, मैंने सिर्फ उसमें बायोलॉजी के डायग्राम आपको बताए थे, फिजिक्स के आप लोगों को विद्युत मोटर का जो डायग्राम है वो रट के जाना है। ठीक है, उसका सिद्धांत करना है और ऐसे ही जनरेटर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर दोनों के डायग्राम्स और दोनों की कार्यविधि आप लोगों को आनी चाहिए, दोनों के प्रिंसिपल और वर्किंग आप लोगों को आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये आगे आप लोग देख सकते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनके आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेंगे। यहां से प्रैक्टिकल देख सकते हो और न्यूमेरिकल आ सकते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको ये बहुत इजी है, छोटा सा फॉर्मूले होते हैं, इनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और ये देख सकते हो आप लोग आगे क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में इस टाइप का पूछा गया है। उसके बाद में आ जाता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर से आपके ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आपके MCQs पूछे गए हैं। और धीरे धीरे अगर हम देखें, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, नेम टू एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछी गई है, तो केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं उनके टाइप्स पढ़ के जाने हैं कि कौन कौन से टाइप की इक्वेशंस होती हैं और कैसे कैसे वो बनाई जाती हैं। देन व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिवन एग्जाम्पल। और उसके बाद में हाउ डज एन इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेटेड टू इट्स पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टू प्रिवेंट बताने हैं आपको रस्टिंग ऑफ आयरन की, जंग को रोकने के 2 तरीके हैं। और ये 2 मार्क्स में मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस वगैरह पूछा गया है, हाइड्रोजनीकरण पूछा गया है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपाउंड्स के नेम पूछे गए हैं जो कि इस तरीके से आएंगे। ठीक है, आपको इनके पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है। और उसके बाद में सैपनिफिकेशन आ रखा है, साबुनीकरण बताना है आप लोगों को, इसका एग्जाम्पल भी दे रहा है। उसके बाद जीव विज्ञान आ जाता है, जीव विज्ञान के अंदर आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं। और ओजोन परत को जो क्षति पहुंचाता है, इस तरीके से ये आपके ऑप्शंस नीचे देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो कौन पहुंचाता है, CFC है, CO2 है, इसका आंसर मुझे सब बताएंगे जो कि बहुत ईजी है। और इसमें ऑल ऑफ दीज भी दिया है, तो मैक्सिमम आंसर जो है ऑल ऑफ दीज वाले में ऑल ऑफ दीज ही होता है, तो अगर ना भी आए तो आप इसको तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो कौन मानव में नर जनतंत्र का भाग है, ये जीव विज्ञान से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। और ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों आपको पढ़ के जाने हैं, दोनों का आपके पास मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर आ सकता है और डायग्राम भी आ सकता है। ट्रॉफिक लेवल पूछे गए हैं, फोटोट्रोपिज्म ऑकर इन प्लांट्स पूछा गया है, और सिंथेसिस बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। और इसके अलावा में हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग, बच्चे में लिंग, बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका एक डायग्राम भी है प्रॉपर, और चाइल्ड डिटरमाइन पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। तो जो 2 मार्क्स में पूछा गया है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि एक्स और एक्स मिलने पर लड़की का है और एक्स और वाई जो है वो लड़के का होता है। ठीक है, उसके बाद में वेल लेबल डायग्राम जो है वो सीड जर्मिनेशन का रखा है। और लास्ट में अगर हम देखें तो रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स है और क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ऐसे ही इसके अंदर फ्लावर का है। ठीक है बच्चे, तो आप इसको करके जाइएगा। और डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी है। उसके बाद में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आ रखा है, तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इसको बना लोगे। 6 मार्क्स में पूछा गया है, तो ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और इसके अंदर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन हार्ट है,
और फ्लावर है, ठीक है, और अभी लीफ का रखा था वो है पत्ते वाला, और इसके अलावा मैं मोटर और जनरेटर, ये डायग्राम जो है वो आपको रट के ही जाने हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है, और एक नेफ्रॉन है, ये डायग्राम्स आपको प्रॉपर पढ़ के जाने हैं, करके जाने हैं। ओके, तो अब हम एक दो क्वेश्चन पेपर और हैं उनकी तरफ चलते हैं। इसके बाद आगे के अगर हम देखें तो भौतिक विज्ञान के दोबारा ये टेस्ट पेपर हैं और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 मार्क्स के MCQs ही हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद ये आप लोग आगे देखेंगे अगर, तो ये 2 2 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, फ्यूज़ क्या है, हमें वन एम वन्य जीव संरक्षण का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इस तरीके के लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक है, किसी लेंस का एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। उसके बाद में अवतल उत्तल दर्पण के रेखा चित्र वगैरह आ रखे हैं। और रसायन विज्ञान में अगर हम देखें तो ये देख सकते हो आप लोग कि अभिक्रियाएँ आ रखी हैं, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रियाओं के टाइप पढ़ लीजिएगा, अम्लीय वर्षा क्या होती है, और आगे जो है फिर उसके बाद में पेप्टॉन के सभी संयोजकों की संरचनाओं का चित्रण करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए संरचनाओं का चित्रण, जो एथोनाइक अम्ल आ रखा है, हेक्सेनल आ रखा है, ब्यूटेनॉन आ रखा है। जीव विज्ञान के अंदर अगर हम देखें तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि MCQs इस तरीके के हैं, परागकण जंतुओं में नरयुग्मक को क्या कहते हैं, और किसका उपयोग जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है, सभी का, खराब भोजन, चाय पत्ती, सब्जियों के छिलके, यीस्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है, शुद्ध अथवा संकर पौधे कौन से होते हैं, एसिड के कार्य बताने हैं अलग अलग, ठीक है, और पादप में जल और खनिज का वहन कैसे होता है इसका वर्णन करना है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन फिर आ जाते हैं। आप थोड़ी सी नज़र मार लीजिएगा, मैं धीरे धीरे इनको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बस इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको मैक्सिमम जो है पासिंग मार्क्स इसमें 20 रहने वाले हैं, 20 का टारगेट आपको बनाना है, 17 मार्क्स जो हैं वो आपके पासिंग होते हैं, ठीक है, 60 में से। और अगर मैं बोलूँ कि 16 में से आप लोगों को जैसे 33% अटेन करने होते हैं, ठीक है, वो मैं भी आप लोगों को बता दूँगी। यीस्ट में जनन की सामान्य विधि क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यीस्ट परजीवी क्या होते हैं, और ये जी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की संरचना का वर्णन करना है, मतलब एक्सप्लेनिंग है यहाँ पे, ठीक है, और वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, मानव हृदय की कार्यप्रणाली का वर्णन, देखिए हृदय मतलब हार्ट का आ रखा है, तो आपको हार्ट की प्रिपरेशन करनी है, उसको बनाना आपको आना चाहिए, ओके। उसके बाद में फिर एक और ये गैस पेपर आ जाता है, ये आपके MCQs हो जाते हैं लास्ट में। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जल के भौम जन संरक्षण के क्या लाभ हैं, ये देख सकते हो आप लोग। और विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि आपको मैंने बताया था, जनरेटर और मोटर आपको करनी ही करनी है, वो आपके पास आएंगे, ओके। और फिर ये रसायन विज्ञान आ जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और डॉबेराइनर के किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, उदाहरण सहित बताना है। तो ये क्वेश्चंस आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रट लेने हैं। हार्मोन एड्रेनल के क्या प्रभाव होते हैं, नर जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथियों के नाम उनके कार्य लिखने हैं, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है, मानव के विकास का वर्णन करना है, ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको डायग्राम्स बता ही दिए हैं, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और इसके अलावा मैं पुष्प और पत्ते का अनुप्रस्थ काट का चित्र आएगा, हृदय का आएगा, और विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, ये डायग्राम्स आपके 6-7 डायग्राम्स हैं जिनको आपको अच्छे से करके जाना है, ओके। सो इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा सा पेपर करिएगा और पासिंग मार्क्स पर फोकस रखिएगा कि उतने आपको लेने ही लेने हैं, और कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।